23 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हो जाएगी प्रियदर्शन की फिल्म हंगामा 2 और आज इस फिल्म में से द मोस्ट अवेटेड ट्रैक चुरा के दिल मेरा आउट हो गया है। तो चलिए इसी सॉन्ग के बारे में बात करते हैं, क्या अच्छी चीजें हैं गाने में, क्या बुरी चीजें हैं, क्या खराब चीजें हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा यूजर नेम है फिल्मी मोनिका। तो चलिए बात करते हैं चुरा के दिल मेरा द मोस्ट अवेटेड सॉन्ग, क्योंकि जब से टीजर में शिल्पा शेट्टी को सिग्नेचर स्टेप करते देखा था मैंने, मुझे बहुत इंतजार था कि ये मैं गाना पूरा सुनूं। लेकिन जैसे ही मैंने पूरा गाना सुना, पूरी वीडियो देखी, बाय गॉड, तौबा तौबा, सारा मूड खराब हो गया। मतलब ओरिजिनल गाने की हम बात करें, जो कि मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म में था, वो इतना अच्छा सॉन्ग था कि आज भी उस गाने में अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की केमिस्ट्री के लिए इन दोनों को याद किया जाता है। वही ये जो गाना है, इसे गाया है बैरी दयाल और अनमोल मलिक ने, और वो इतने अच्छे सिंगर है, लेकिन पता नहीं क्यों इस सॉन्ग में वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं साउंड कर रहे हैं। बिल्कुल भी गाना जो सुनने में है अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप कमेंट सेक्शन में चले जाएंगे, आपको हर जगह नेगेटिव कमेंट्स ही मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल गाना है वो 90s दशक के जो बच्चे हैं या लोग हैं उनको ये गाना बहुत पसंद है, उनके दिल के बहुत करीब है। और जैसे ही ये रिप्राइज वर्जन आया, कहीं ना कहीं सबका दिल टूट गया कि यार ये हमारे बचपन की यादों के साथ खिलवाड़ हो गया है, ये बहुत गलत किया। और जो हैरानी वाली बात है कि इस गाने को भी ओरिजिनल गाने की तरह अनु मलिक ने ही कंपोज किया है, लेकिन फिर भी जस्टिफाई नहीं कर पाए। रिप्राइज वर्जन जो है वो ओरिजिनल जितना बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर हम सिंगिंग की बात करें, जो पुराना गाना था उसे कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया था, और क्या कमाल गाया था। बैनी दयाल और अनमोल मलिक कतई भी उस लेवल को टच नहीं कर पाए हैं। वीडियो पे आ जाते हैं हम। वीडियो में मिजान जौफरी के साथ शिल्पा शेट्टी थिरक रही है पूरे गाने में। देखिए, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की जो केमिस्ट्री है, दैट इज अनबीटेबल। वो इस सॉन्ग में मैजिकल थी। मिजान और जो शिल्पा है, इनकी केमिस्ट्री बहुत फीकी लग रही है सॉन्ग में। द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज शिल्पा शेट्टी। जी हाँ, सुपर डांसर चैप्टर 4 की ये ब्यूटीफुल जज पूरे सॉन्ग में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। शी इज लुकिंग फैबुलस। कोई नहीं कह सकता कि शिल्पा शेट्टी ने ही 20-25 साल पहले ये गाना किया था, क्योंकि वो इतनी एज्ड लगती ही नहीं है। लगता है कि टाइम रुक गया है और शिल्पा शेट्टी आज भी 20-22 बरस की हैं। शी इज लुकिंग सो प्रिटी। और जब शिल्पा शेट्टी इस गाने पे जब अपना हुक स्टेप करती हैं, सिग्नेचर स्टेप करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उन्हें देख के। और ऐसा लगता है कि काश इनके साथ अक्षय कुमार होते और फिर ये गाना बनाया जाता, तो शायद मजा आ जाता। चलिए, ये तो है कि मुझे कैसा गाना लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने चुरा के दिल मेरा सुन लिया है। अगर सुन लिया है तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं सुना है तो जाके सुनिए और बताइए ना मुझे कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा। और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।